हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक। इस वीडियो में हम लोग DOL स्टार्टर वायरिंग एंड वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है वही देखने वाला है। इसमें देखिए कॉन्टेक्टर और उसमें नीचे ओवर रिले लगा हुआ है और दो पुश बटन है, ठीक है, NO और NC और एक कंट्रोल MC भी है। कंट्रोल MC भी 230 वोल्ट दिया रहता है, नहीं तो आप 440 वोल्ट भी यूज़ कर सकता है। ठीक, जो भी कंट्रोल वोल्ट है उसका कॉन्टेक्टर का कॉइल डिपेंडिंग है। जैसे कंट्रोल MCB ऑन करने से आपका सप्लाई ओवरलोड रिले NC के थ्रू जाके फिर आपका जो स्टॉप बटन NC है ना उसी में जाके फिर स्टार्ट बटन का NO का सामने तक रुका रहेगा, फिर उसके बाद आपका कॉन्टेक्टर का NO तक रुका रहता है। ठीक है, यह है आपका कॉन्टेक्टर होल्डिंग के लिए दिया हुआ कॉन्टेक्टर होल्डिंग सप्लाई है। स्टार्ट पुश बटन दबाने से आपका जो NO का आगे से जो सप्लाई रुका हुआ था वो सप्लाई वहीं से क्लोज होकर कंडक्टर कॉइल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर में जो सप्लाई मिल गया तो कंडक्टर ऑन हो जाता है। जैसे स्टार्ट बटन प्रेस करना छोड़ दिया तो उधर का सप्लाई बंद हो जाएगा, लेकिन जो होल्डिंग के लिए जो सप्लाई दिया था ना वो तो NO के थ्रू क्लोज होकर कॉइल में मिलते रहेगा सप्लाई कंटिन्यू। ठीक है, अब पुश बटन छोड़ देंगे फिर भी आपका जो वो इसलिए बोलता है उसका होल्डिंग सप्लाई है। ठीक है, फिर स्टॉप करने के लिए आप स्टॉप पुश बटन दबाएंगे तो क्या NC क्या है NO हो जाएगा, तो आगे जो सप्लाई है उसको होल्डिंग सप्लाई भी बंद हो जाएगा तो आपका कॉन्टेक्टर रिलीज हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल सप्लाई आपका ओवरलोड रिले का NC थ्रू देता है, इसलिए देता है जब मोटर ओवरलोड होता है उस टाइम में क्या है रिले सेंस करके तो NC को NO कर लेता है। ठीक है, सो NO करने से क्या है आपका जो कंट्रोल सप्लाई जो आगे जा रहा है वो बंद हो जाएगा, तो बंद होने से क्या है कॉन्टेक्टर ओपन हो जाएगा, मोटर सेफ हो जाता है।